क्या आपको पता है 70% लोग आज से 10 साल के बाद गर्दन के दर्द से परेशान होंगे। उसमें से 20% लोगों को तो ऑपरेशन की जरूरत होगी। उसका रीजन ये है कि हम पूरे दिन इसी पोजीशन में काम करते रहते हैं और इस पोजीशन की वजह से नेक मसल को कांस्टेंट वर्क करना पड़ता है। अभी क्या होता है, थोड़े टाइम तक वो काम करता है, उसके बाद पूरा स्ट्रेन आपके वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में आता है। उसका रीजन ये है कि जब भी हम सीधे रहते हैं तो हमारा प्रेशर ऐसे आता है, ये वर्टेबल बॉडीज है, उसके बीच में ये डिस्क है, तो हमारा डिस्क पर इवन प्रेशर आता है। बट हम जस्ट जब इसी पोजीशन में रहते हैं तो क्या होता है, ये प्रेशर ऐसे आता है और ये डिस्क ऐसे बाहर निकल जाती है। ये नस है जो हाथ में जाती है और वो दबने चालू हो जाता है। इसकी वजह से आपको हाथ में दर्द आता है, पीछे दर्द आता है, और ये हदर्द इनिशियली धीरे धीरे एक दिन में आता है, 2 दिन आता है, फिर चला जाता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो कंटिन्यूअस रहता है। इस दर्द से अगर आपको छुटकारा लेना है तो पहली चीज ये करो कि जब भी आप मोबाइल का यूज करो, ट्राई टू यूज लाइक दिस, और एवरी 20 मिनट्स में उसको रख दो या सिर्फ ऊपर देखो अगर आपको ज्यादा काम करना है। अगर आप दर्द से परेशान हो और आपको ऑपरेशन के लिए बुला है, या फिर आप कहीं जगह जाके आए हो और आपको पेन का जरा भी आराम नहीं है, तो मेरे पास ये मशीन है, उसको डीकंप्रेशन मशीन बोलते हैं, डीकंप्रेशन थेरेपी। वो क्या करता है, ये दो वर्टेब्रल बॉडीज के बीच में वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, और वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये जो डिस्क जो बार है वो अंदर चली जाती है। उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स है जिसकी वजह से कई लोगों को बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अगर आपको या आपके रिलेटिव में किसी को भी ये तकलीफ है तो आप उसकी ट्रीटमेंट ले सकते हो। मेरा नाम है डॉक्टर मितेश पटेल और मैं सुबनपुरा में बड़ोड़ा में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 21 ईयर से मेरी प्रैक्टिस है और मैंने आज तक अराउंड 60,000 पेशेंट ट्रीट किए हैं। थैंक यू।